हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। आज का हमारा टॉपिक है इमल्शन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म में, फॉर्माटेक में। तो चलिए आज हम बात करते हैं इमल्शन में कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके जो पीक्यूआरएसटी असेसन टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो काफी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो कन्फ्यूज करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमारा माइक्रो इमल्शन और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सिस्टम, दूसरा आपका क्या स्टेटमेंट है, नैनो इमल्शंस और थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बट काइनेटिकली स्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे ऑप्शंस क्या क्या है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली सेकेंड इज करेक्ट, बोथ करेक्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में, माइक्रो इमल्शन के बारे में। तो माइक्रो इमल्शन, हमारे इमल्शन के मेनली आपके कई सारे टाइप हैं, लाइक फाइन है आपका, माइक्रो है, देन नैनो है। तो जो फाइनेस्ट होता है, सबसे जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो होते हैं आपके नैनो के, देन आपका जो उससे बड़ा होता है आपका माइक्रो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन सा होता है। यहाँ पे जो आपका थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है वो केवल एक ही टाइप होता है जो कि आपका क्या होता है, माइक्रो इमल्शन होता है। नैनो आपका थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता, वो अनस्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नैनो इमल्शन में आपके जो इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इसकी जो फ्री एनर्जी होती है नैनो इमल्शन की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो इसके क्या होते हैं, इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं। So, पहला हमारा क्या हुआ कि थर्मोडायनेमिकली हमारे स्टेबल भी है माइक्रो इमल्शन, दूसरा नैनो इमल्शन जो होता है आपका ये क्या है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। ओके, बट ये काइनेटिकली आपका स्टेबल होता है। सो बोथ करेक्ट, ए और बी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे क्या है, करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे, जो माइक्रो इमल्शन है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सोलुबलाइज सिस्टम भी बोलते हैं, इस पे भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्या है आपका, सोलुबलाइज सिस्टम है जो क्या है आपका, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। देन अगर हम बात करें कि आपका नैनो इमल्शन, तो थर्मोडायनेमिकली क्या है, ये आपका अनस्टेबल है, जहां पे इसकी फ्री एनर्जी, नैनो इमल्शन की फ्री एनर्जी क्या है, ज्यादा है, जो कि इसके क्या है, कंपोनेंट्स हैं, जो भी ऑयल एंड वाटर फेज हैं, जो सेपरेट फेजेस हैं, उनसे इसकी फ्री एनर्जी ज्यादा है। दैट्स व्हाई ये क्या है आपका, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। यहाँ पे अब थोड़ी सी हम क्या बात कर लेते हैं, पार्टिकल साइज की, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नैनो, देन आपका क्या है, माइक्रो एंड आपका माइक्रो। माइक्रो जो आपका इमल्शन है, माइक्रो अगर हम देखेंगे तो इसकी जो पार्टिकल साइज आपका 10 to 100 नैनोमीटर, कहीं कहीं आपको 10 to 300 नैनोमीटर भी मिल सकती है, बट यूजुअली आपकी ये क्या है, 10 to 100 नैनोमीटर आपकी क्या है, माइक्रो इमल्शन की आपकी क्या है, ड्रॉपलेट्स की साइज है। देन आपका 100 to आपका कितना आ जाता है, 400, ये क्या है आपका, नैनो इमल्शन। ठीक है, देन 400 नैनोमीटर से ज्यादा ये आपको क्या आ जाता है, माइक्रो इमल्शन आ जाते हैं, पार्टिकल साइज। ओके, ये तो हो गई पार्टिकल साइज की बात, ये क्या है, हो गया हमारा यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे कंपैरिजन है, लाइक स्टेबिलिटी की हमने बात की सबसे पहले, जो आपके माइक्रो हैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, नैनो आपका थर्मोडायनेमिकली इनस्टेबल है। देन अगेन प्रोडक्शन मेथड, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो माइक्रो इमल्शंस होते हैं वो आपके मैग्नेटिक एजिटेशन मेथड से, किससे, मैग्नेटिक एजिटेशन मेथड से ये आपके क्या बनाए जाते हैं। ओके, और यही आपके जो नैनो इमल्शन है ये आपका क्या होता है, कोलाइडल डिस्पर्जन लाइक अल्ट्रासाउंड मेथड, इन सबसे में ये क्या होता है आपका, मेनली बनाया जाता है। तो ये जो आपका हो गया किसका एक्सप्लेनेशन, माइक्रो और नैनो का। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइन इमल्शन। क्या है आपका, फाइन इमल्शन प्रोड्यूसेस बाई ग्रेविटेशन इफेक्ट बाई यूजिंग विच इक्विपमेंट। इमल्शन का एक टाइप है आपका फाइन इमल्शन, ठीक है, इसको हम मेनली किससे, किस इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रेविटेशन इफेक्ट से। ठीक है, अब ग्रेविटेशन इफेक्ट से अगर हम इसे बना रहे हैं तो कौन सा आपका यहाँ पे इक्विपमेंट यूज हो रहा है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज होमोजेनाइजर, अल्ट्रासोनिफायर, कोलाइडल मिल एंड मैकेनिकल स्टरर्स। ठीक है, तो हर एक इक्विपमेंट के अपने अलग यूज है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे क्या है, अल्ट्रासोनिफायर्स, कौन से आपके यहाँ पे अल्ट्रासोनिफायर्स आपके यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, किस लिए, यहाँ पे आपका जो ग्रेविटेशन इफेक्ट है। आप देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, फोलमैन लिक्विड विसल। क्या, फोलमैन लिक्विड विसल हम इसी को बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि आपका जो भी पर्टिकुलर लिक्विड होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ओरिफिस के थ्रू, एक फाइन ओरिफिस होता है, उसके थ्रू
हायर वेलोसिटी में एक आपकी वाइब्रेटिंग प्लेट होती है, उससे उसको क्या कराया जाता है, इम्पिंग कराया जाता है, या फिर उससे हम उसको कोलिजन वहां पे कराते हैं, जिससे क्या होता है आपका फाइन इमल्शन प्रोड्यूस होता है। अब इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैविटेशन इफेक्ट बोलते हैं। ये हो गया आपका किसका, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर का हो गया। और भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, लाइक आपका सिल्वरसन मिक्सर हो गया। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिल्वरसन मिक्सर, सिल्वरसन जो आपका मिक्सर है ये आपका कहाँ पे यूज किया जाता है। चार ऑप्शन दिए थे, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, सस्पेंशन, देन आपका एक ऑप्शन क्या हो गया, इमल्शन। तो आपको पता होना चाहिए आपका कहाँ इमल्शन, मेनली आपको इमल्शन को बनाने में यूज किया जाता है। देन पैडल मिक्सर, प्रोपेलर्स, ये सारे आपके मेनली शेकिंग और सिंपल मिक्सिंग में आपके ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, हाई शियर होमोजेनाइजर। हाई शियर होमोजेनाइजर मेनली क्या होते हैं, इसमें आपका 500 टू 5000 psi तक का प्रेशर जनरेट होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है इसका प्रेशर, पूछा हुआ है कि कितनी रेंज तक का प्रेशर ये क्या करते हैं, मेनली जनरेट करते हैं। तो 500 टू 5000 psi तक का प्रेशर ये जनरेट करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हाई शियर होमोजेनाइजर की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए देन आ जाता है आपका कोलाइडल मिल। कोलाइडल मिल में मेनली क्या होते हैं, दो फाइन स्पेसिस, ठीक है, दो आपके क्या है, अपोजिट मूविंग रोटेटर्स होते हैं, जहां से आपका हम क्या करते हैं, कोस इमल्शन को पास कराते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया इसका प्रिंसिपल, यानी कि कैसे वहां पे आपका मेनली फॉर्म हो रहा है। देन लार्ज प्रोडक्शन, जो बल्क है इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे हम मेनली इमल्शन को बनाने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, ये तो कोलाइडल मिल है, एक आती है आपकी क्या, ट्रिपल रोलर मिल। ठीक है, ट्रिपल रोलर मिल, वो आपका जो मेनली यूज होता है वो आपका ऑइंटमेंट को बनाने में मेनली यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रो इमल्शन, यानी कि इसमें से माइक्रो इमल्शन की प्रॉपर्टी कौन सी है। पहला आपका क्या पूछा है, दे हैव पार्टिकल साइज मोर देन वन माइक्रोन, यानी कि उनका जो पार्टिकल साइज है वो एक माइक्रोन से ज्यादा है। दूसरा क्या है, दे हैव पुअर स्टेबिलिटी, अभी भी हमने पढ़ा है क्या, वो क्या है आपके थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, कौन से, माइक्रो इमल्शन। देन क्या है आपका, दे एग्जिबिट ए विस्को इलास्टिक जेल फिल्म, जेल फेज। अब दो वर्ड है यहाँ पे, एक है विस्को, दूसरा है आपका इलास्टिक। विस्को इलास्टिक जेल फेज मतलब विस्कोसिटी, विस्कस आपका वो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा विस्कस होगा और इलास्टिक भी होगा। इस टाइप के सॉल्यूशन किस टाइप के होते हैं आपके, किसके रूल को फॉलो करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, नॉन न्यूटोनियन, किसको, नॉन न्यूटोनियन को फॉलो करते हैं। When they are, या फिर when internal phase is added in excess, जो भी वहाँ पे internal phase है, जब हम उसको excess amount में add कर देते हैं, इसको elastic वहाँ पे क्या करते हैं, phase exhibit होता है। Then last में they have milky yellow color, क्या है, milky yellow color, जो कि mainly किसका है आपका, fine emulsion का है। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे बात हम कर रहे हैं माइक्रो की, ये किसकी बात हो गई, ये फाइन की हो गई, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए, और पार्टिकल साइज आपकी एक माइक्रोन से ज्यादा होने से रही। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज सी, क्या है आपका, एग्जिबिट ए विस्को इलास्टिक जेल फेज। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब क्या है आपका माइक्रो इमल्शन, तो सबसे पहले क्या है आपका, ऑयल इन वाटर, या फिर आपका जो भी वाटर की ड्रॉपलेट्स है, वाटर इन ऑयल के फॉर्म में आपका रहेगा। पार्टिकल साइज काफी इंपॉर्टेंट है, 0.01 mm तक के आपके क्या है, माइक्रोमीटर, ठीक है, मिलीमीटर नहीं, माइक्रोमीटर तक के ग्लोब्यूल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। देन क्या होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इमल्शन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। चार दिए रहेंगे, उसमें से आपको पता होना चाहिए कि क्या है आपका माइक्रो इमल्शन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, इवन नैनो आपका अनस्टेबल है, ये एक्सप्लेनेशन हम प्रीवियसली देख चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट इन माइक्रो इमल्शन। अगेन, माइक्रो इमल्शन के कॉन्टेक्स्ट में हमारा कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, पहला क्या है, दे आर कॉल्ड सोलुबलाइज सिस्टम, याद करिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था माइक्रो इमल्शन की प्रॉपर्टी में कि वो आपके सोलुबलाइज सिस्टम भी कहलाते हैं। ओके, दूसरा आता है, दे आर थर्मोडायनेमिकली क्या है, स्टेबल। ओके, दे आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। ओके, ठीक है,
इन ऑयल इन वाटर मिसलर सॉल्यूशन ऑयल फेज प्रिफरेंशियली डिसॉल्व इन द इंटीरियर ऑफ द मिसल। किसमें आपके ऑयल इन वाटर टाइप का जो आपका क्या है मिसलर सॉल्यूशन है, ऑयल फेज आपका क्या है डिसॉल्व होता है कहाँ इंटीरियर ऑफ द मिसल्स में, ठीक है सही है। देन सॉलिड मिसल्स कैन बी फॉर्म बाय आयनिक सर्फेक्टेंट, ये क्या है आपका सॉलिड मिसल्स कैन बी फॉर्म बाय आयनिक सर्फेक्टेंट जो कि नहीं होता, ठीक है डी इज द करेक्ट आंसर। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है सबसे पहले क्या है आपका फेज की बात करते हैं, ठीक है जो भी आपके क्या है ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल फेज। देन सोलुबलाइज सिस्टम भी हम बोलते हैं, ठीक है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल भी होता है ये भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है ट्रांसपेरेंट या फिर क्लियर इमल्शन जो भी आपके क्या है विच ए वाटर इन सोल्यूबल ऑयल, ठीक है जिसमें हमारी क्या होती है ड्रग डिजोल्व होती है, ठीक है जहां पे सर्फेक्टेंट आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका क्लियर क्या क्लियर ट्रांसपेरेंट फेस देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपका जो आयनिक सर्फेक्टेंट है उसका रोल नहीं होता जो कि हम लास्ट में बात कर रहे थे इसकी कि सॉलिड मिसल कैन बी फॉर्म बाय आयनिक सर्फेक्टेंट। सो इनकरेक्ट जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे दैट इज डी। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है फोरमैन लिक्विड विसेल। क्या फोरमैन लिक्विड विसेल इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन सस्पेंशन फोलाइड या फिर ऑल ऑफ द अबव। अभी प्रीवियसली हमने देखा था कि दो क्वेश्चन पहले कि जो आपका फोरमैन विसेल जो आपका मेनली इक्विपमेंट था वो इमल्सन के लिए, किसके लिए मेनली आपका इमल्सन के लिए यूज किया जाता है, क्लियर। अब इस इक्विपमेंट में होता क्या है ये देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि आपके अल्ट्रासोनिक फायर्स क्या होते हैं अल्ट्रासोनिक एनर्जी का यूज किया जाता है, कैसे होता है एक सिंपली आपका ये क्या होता है नजल होता है और बहुत ही फाइन ओरिफिस से क्या होता है आपका इमल्सन बहुत ही फाइन स्पेस से पास आउट कराया जाता है और एक आपकी यहाँ पे वाइब्रेटिंग ब्लेड होती है, क्या होती है वाइब्रेटिंग ब्लेड होती है यहाँ पे जिसकी हेल्प से हमारा क्या होता है यहाँ पे हाई वेलोसिटी में इस पे हम क्या कराते हैं इम्पिंग कराते हैं या फिर इससे हम कोलिजन कराते हैं जो भी हमारा क्या है इमल्सन है जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे आपका सिंपली मेनली पार्टिकल साइज रिड्यूस होते हैं और आपका वहाँ पे इमल्सन फॉर्म होता है। अच्छा तो ये क्या हुआ एक्सट्रीमली लो पार्टिकल साइज क्या करते हैं वो आपके डेवलप करते हैं, क्लियर। चलो तो ये क्या हो गया आपका मेनली फोरमैन विसेल जो आपका एपरेटस है या इक्विपमेंट है उसके बारे में हो गया, ये सिंपल आपका क्या है आउटलेट है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्ले टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। चार टाइप के हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट के यहाँ पे एग्जाम्पल है तो हमें सिंपल यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा टाइप का हमारा क्या है क्ले की क्लास में आ रहा है, ठीक है। और इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है इमल्सिफाइंग एजेंट वो है जो हमारा इमिसिबल क्या है फेज है, दो फेज है आपके ऑयल है वाटर है तो इनके फेज में इनके बीच में क्या होता है एक आपका इंटरफेस फॉर्म हो जाता है इंटरफेस या फिर एक बैरियर बन जाता है एक लाइन हो जाती है एक इंटरफेसियल टेंशन जनरेट हो जाता है और इसी टेंशन को क्या करते हैं कम करते हैं आपके इमल्सिफाइंग एजेंट, कैसे इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस करती, ठीक है तो उनको क्या कराते हैं मिसबिल कराते हैं। तो ये हो गया मेनली किसका काम इमल्सिफाइंग एजेंट का। अब यहाँ पे पूछा क्या है क्ले टाइप, ठीक है इसमें से कौन सा क्ले टाइप का इमल्सिफाइंग एजेंट है तो पहला है यहाँ पे आपका जेंथिन, पहला क्या है आपका यहाँ पे जेंथिन है। दूसरा है आपका वीगम, क्या है वीगम, वीगम को ही एक और इंपॉर्टेंट इससे चीज आपकी बनती है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसी को हम क्या बोलते हैं वीगम बोलते हैं। देन कार्बाकोल एंड सीएमसी दैट इज कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सो डिटर्मिनेंट्स करेक्ट आंसर इज वीगम। क्ले टाइप में आपका क्या आएगा वीगम आएगा, ये क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका। पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स में आपके अकेसिया ट्रगाकेंस मिथाइल सेलुलोज ये सारे आते हैं और ये आपका एज ए थिकनिंग एजेंट एज ए बाइंडर भी आपका ये यूज किए जाते हैं। ओके देन आ जाते हैं आपके स्टीरॉल्स जिसमें आपके लेनोलिन आ जाते हैं। देन प्रोटीन्स में आपके जिलेटिन और लेसिथिन आएंगे, जिलेटिन का यूज हमें पता ही है कैप्सूल्स की मेनली सेल को बनाने के लिए। देन जो भी आपका पर्टिकुलर सिस्टम है उसको मेनली थिक बनाने के लिए भी आपका जिलेटिन यूज किया जाता है। एज सरफेस एक्टिव एजेंट ट्विन स्पैन मेनली आपके यूज किए जाते हैं यानी कि इंटरफेसियल टेंशन को डिक्रीज कराने के लिए। देन फाइनली डिवाइडेड सॉलिड जहाँ पे आपका जिंक ऑक्साइड आ जाता है एंड लास्ट में आपके क्ले आते हैं जिसमें आपका वीगम और बेंटोनाइट आता है। ओके
चलिए, ये हो गए कि आपके इमल्जेंट्स या फिर आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स हो गए, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड। क्या? कोबाल्ट क्लोराइड या फिर फिल्टर पेपर टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ। कोबाल्ट क्लोराइड या फिर फिल्टर पेपर टेस्ट जो होता है वो मेनली किसके साथ एसोसिएटेड होता है या फिर किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे, सस्पेंशन पहला है, दूसरा क्या है आपका इमल्शन, थर्ड वन इज सपोजिटरी एंड फोर्थ वन इज पेरेंट्रल। आपको बता दूं कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्शन से भी आपके कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाइक अपवर्ड ग्रीमिंग होगी कि डाउनवर्ड कब होगी, किसमें होगी, देन डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट से जिसमें अभी हम आगे देखेंगे आपका एमरंथ आ जाता है, मेथिलीन ब्लू आ जाता है, स्कारलेट रेड आ जाता है, ठीक है, देन आपका इलेक्ट्रिसिटी से, कंडक्टिविटी टेस्ट से आ जाता है कि किसमें, ऑयल इन वाटर में या वाटर इन ऑयल में, किस टाइप के इमल्शन में आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो उन सभी का एक्सप्लेनेशन अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हम मेनली देखते हैं कि कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट हमें क्लियरली पता है कि इमल्शन के लिए होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये पूरी चार्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाता है आपका डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। याद रखिए कि डाई सॉल्युबिलिटी में आपका मेनली क्या होता है, अगर हम बात करें ऑयल इन वाटर, ठीक है, किस टाइप का है, ऑयल इन वाटर। अब ऑयल इन वाटर का क्या मतलब है, ऑयल इन वाटर का मतलब है कि आपके जो ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं वो डिस्पर्स्ड हैं, किसमें, वाटर के सिस्टम में, जहां पे कंटिन्यूअस सिस्टम क्या है आपका, वाटर है, कंटिन्यूअस फेज वाटर, यानी कि एक वाटर आपका सपोज 1 लीटर वाटर है, उसमें आपका 10 ml क्या हो गया, ऑयल की ड्रॉपलेट्स उसमें क्या है, सस्पेंडेड है, ठीक है, डिस्पर्स्ड है, तो यही क्या है आपका ऑयल इन वाटर। अब इसमें क्या है, इंटरनल फेज इज स्टेन्ड बाय ऑयल सोल्यूबल डाई, ठीक है, जो भी आपका क्या है इंटरनल फेज होता है उसको किससे हम करते हैं, ऑयल सोल्यूबल डाई से करते हैं, ठीक है। अब उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप अगर हम वहां पे देखेंगे तो जो भी वहां पे इंटरनली होगा क्या होगा आपका, इंटरनल फेज और एक्सटर्नल, तो इंटरनल वही जो आपका डिसकंटिन्यूअस है या फिर डिस्पर्स्ड है, तो वो क्या होता है आपका, अगर कंपोनेंट क्या है इस पर्टिकुलर डाई से आपका क्या है, सोल्यूबल है, ऑयल सोल्यूबल है, इसका मतलब ये डाई क्या होगी आपकी, लिपिड सोल्यूबल होगी, सुडैन थर्ड एंड स्कारलेट रेड, ऑयल इन वाटर, ऑयल यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस में है, तो यानी कि जो डाई है अगर यहाँ पे क्या है वो भी लिपिड सोल्यूबल है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि आपका क्या है जो भी इमल्शन है ऑयल इन वाटर टाइप का है। दूसरा इसी तरीके से हमारा आ जाता है वाटर इन ऑयल टाइप का, और वहां पे हमारा क्या आता है, वाटर वहां पे हमारा डिसकंटिन्यूअस फेज में है, पहली चीज। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन से हमारे क्या है एजेंट है, यहाँ पे हमारा आ जाता है क्या, मेथिलीन ब्लू आ जाता है, एमरेंथ आ जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब जो डिसकंटिन्यूअस फेज में वाटर है, ठीक है, और ये भी आपकी क्या है वाटर सोल्यूबल है, अगर ये क्या हो जाती है डिसकंटिन्यूअस फेज में मिक्स हो जाती है, ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं, इसका मतलब है कि आपका किस टाइप का है, वाटर इन ऑयल टाइप का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये डाई भी आपका पूछा हुआ है कि ऑयल इन वाटर टाइप में कौन सी डाई यूज करते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप में हम कौन सी डाई यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाइल्यूशन टेस्ट विथ वाटर, डाइल्यूशन टेस्ट विथ वाटर, इमल्शन बिकम्स टर्बिड, किसमें, ऑयल इन वाटर टाइप में, और जहां आपका क्या है वाटर इन ऑयल है, ठीक है, वहां पे क्या है डाइल्यूट ही नहीं होता, वहां पे क्या होता है एक मेनली सेपरेट फेज इन क्लियर वाटर, ठीक है, एक आपका सेपरेट फेज की तरीके से वहां पे काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है कंडक्टिविटी टेस्ट। आपको पता है कि वाटर में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, कई सारे मिनरल्स होते हैं, अब जो मिनरल्स हैं वो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लियर है। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, किसमें, कंडक्टिविटी टेस्ट में, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है, अगर क्या है आपका वाटर इन ऑयल है, ठीक है, यानी कि वाटर इन ऑयल यानी कि आपका क्या है डिसकंटिन्यूअस फेज में वाटर है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म आपकी ट्रांसफर नहीं होगी। दूसरा ऑयल इन वाटर है, यानी कि कंटिन्यूअस फेज आपका क्या है वाटर है, डिसकंटिन्यूअस फेज आपका यहाँ पे क्या है ऑयल है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, किसमें, जहां पे कंटिन्यूअस फेज आपका वाटर है। घर पे ये टेस्ट परफॉर्म ना करिएगा, ठीक है, ये आपके लिए हैजार्डस हो सकता है, ठीक है, वो कहते हैं ना कि डू नॉट परफॉर्म दिस एट होम, ठीक है, तो इसे भी घर पे परफॉर्म नहीं करना है, बस जानते रहिए कि आपका थ्योरेटिकली ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग किसमें अपवर्ड होता है, किसमें डाउनवर्ड होता है, तो जब बात करेंगे हम ऑयल इन वाटर टाइप की, किसमें, ऑयल इन वाटर टाइप की, तो वहां जो आपकी क्रीमिंग होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, किसमें, ऑयल इन वाटर टाइप में, ठीक है, वहीं वाटर इन ऑयल टाइप में आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट में क्रीमिंग होती है।
अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि डाउनवर्ड क्यों होती है, उसका रीजन ये है कि भी वाटर की डेंसिटी होती है ज्यादा, तो वाटर कहाँ जाएगा आपके डाउनवर्ड, आपके बेस में जाएगा, नीचे फ्लोर पे जाएगा, ठीक है। अब वहां पे जब फ्लोर पे जाएगा तो वाटर इन ऑयल, तो जो कि आपके क्या है, जो भी आपकी क्रीमिंग है, ठीक है, वो क्या होगी आपकी वाटर सोल्युबल जो पार्ट्स हैं उनके साथ होगी, और वो डाउनवर्ड पोर्शन में है, दैट्स व्हाई आपका डाउनवर्ड मूवमेंट में होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्रीमिंग आपकी क्या है अपवर्ड मूवमेंट में, क्यों, कंटिन्यूअस फेज में आपका यहाँ पे क्या है वाटर है, ठीक। नेक्स्ट आता है फ्लोरोसेंस टेस्ट। फ्लोरोसेंस टेस्ट अगर आपका ऑयल इन वाटर टाइप का है, कैसा है, ऑयल इन वाटर टाइप का है, तो यहाँ पे आपको डॉट, कैसे, डॉट पैटर्न देखने को मिलेंगे। अब ये डॉट पैटर्न क्यों हो रहे हैं, ध्यान दीजिए, ऑयल इन वाटर है यानी कि ढेर सारा पानी है, आप कभी ट्राई करिएगा, उसमें थोड़ी थोड़ी आप ऑयल की ड्रॉप्स डाल दीजिए, तो आप देखोगे कि वो क्या होता है, आपका लाइट पड़ने पे थोड़ा थोड़ा वो चमकता है, ठीक है, आईज पे वो क्या करता है, मेनली रिफ्लेक्ट होता है, चमकीला इफेक्ट देता है, ठीक है। तो ये किस में हो रहा है आपका, एक तरीके से हम इसी को बोल रहे हैं डॉट लाइक पैटर्न या फिर डॉट फ्लोरोसेंस, ठीक है। अब दूसरा वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल यानी कि अब आपका डिसकंटिन्यूअस फेज क्या है, यहाँ पे वाटर है, तो इसमें क्या होगा, फ्लोरोसेंस थ्रू आउट द इमल्शन, पूरा का पूरा आपका इमल्शन ही ऑयली है, तो पूरा का पूरा इमल्शन ही आपका क्या होगा वहां पे ब्राइटनेस शो करेगा, ठीक। लास्ट में आपका कोबाल्ट क्लोराइड या फिर फिल्टर पेपर टेस्ट क्या आता है, इसमें मेनली जो फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है ऑयल इन वाटर अगर है तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, चेंज होगा कलर ब्लू टू पिंक, कलर भी पूछा हुआ है कि मेनली किस कलर में क्या करेगा, चेंज करेगा। इवन जीपैड नहीं, इवन फार्मासिस्ट में भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। देन जो आपका क्या है वाटर इन ऑयल टाइप का, इसमें कोई चेंज नहीं होता। लास्ट में आ जाता है आपका ब्लॉटिंग पेपर टेस्ट, जहां भी आपका ऑयल इन वाटर टाइप का अगर है तो वहां पे क्या होगा, ब्लॉटिंग पेपर आपका वेट होगा, एंड वाटर इन ऑयल टाइप में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्शन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन, यानी कि इमल्शन को टेस्ट करने के अलग अलग मेथड थे, ठीक है। अब इसी में से, ठीक है, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि कौन कौन से मेथड थे, तो इसमें पूछा कि इन चारों में से कौन सा ऐसा मेथड है जो इमल्शन को टेस्ट करने का या फिर इमल्शन को आइडेंटिफाई करने का मेथड नहीं है। तो पहला आता है आपका माइक्रोस्कोपिक मेथड, याद करिए अभी डॉट टाइप का हमें डॉट हमारा ऑयल इन वाटर टाइप में आपका डॉट पैटर्न देखने को मिल रहा था, वो आपका माइक्रोस्कोपिक मेथड में था, ठीक है। कंडक्टेंस मेथड, ठीक है, डू नॉट परफॉर्म एट होम, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी हम परफॉर्म कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे थे ऑयल इन वाटर हो वाटर इन ऑयल से, यानी कि आपका क्या है ऑयल इन वाटर है, कंटिन्यूअस फेज आपका जहां पे वाटर है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई तो जान जाइए कि कंटिन्यूअस फेज यहां पे आपका वाटर है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो गया, ओके। थर्ड आया था कोगुलेशन मेथड, फोर्थ वन इज डाई मेथड। डाई मेथड वही जहाँ पे आपका क्या वाटर इन ऑयल में आपका क्या यूज किया जा रहा है, आपका एमरंथ यूज किया जा रहा है, मेथिलीन ब्लू यूज किए जा रहे हैं, वही आपका ऑयल इन वाटर में आपका स्कारलेट रेड यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका डाई मेथड। हमने कहीं भी कोगुलेशन मेथड नहीं देखा, सो आंसर इज क्लियर। थर्ड इज क्या है, ये आपका क्या है, कोई मेथड नहीं है इमल्शन को पता करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, लेग्स ऑफ डाई, क्या है आपका, लेग्स ऑफ डाई अवेलेबल कमर्शियली कंटेन मैक्सिमम अप टू, लेग्स ऑफ डाई जो भी हमारा क्या होता है लेग्स होती है तो वो हमारी मेनली कितने परसेंट तक, ठीक है, कमर्शियली अपटेन अप टू प्योर डाई, कितने परसेंट तक आपका प्योर डाई यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट होता है। पहला है आपका 15%, दूसरा है आपका 10%, थर्ड वन इज 15 एंड लास्ट वन इज 50। तो क्लियर है कि जो आपका क्या होता है लैक्स ऑफ डाई में आपकी जो प्योर अमाउंट ऑफ डाई होता है वो होता है आपका अप टू 50%, कितना अप टू 50% तक आपका वो वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, हमें क्या बताना है कि इनकरेक्ट यहाँ पे पेयर कौन सा है, क्लियर। चलिए सबसे पहले क्या है, फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन में क्या होता है हमारे फ्लक्चुल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या है रिवर्सिबल एग्रीगेशन, क्लियर, ओके। दूसरा क्या है आपका कोलसेंस है, कोलसेंस में क्या होता है आपके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके क्या करते हैं आपस में एग्लोमरेट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया आपका कोलसेंस हो गया, इरिवर्सिबल एग्रीगेशन, क्लियर, ठीक है।
थर्ड क्या है आपका? क्रीमिंग। क्रीमिंग क्या है आपका? ड्रॉपलेट डिफॉर्मेशन। कहने का मतलब ड्रॉपलेट डिफॉर्मेशन यानी कि आपका जो ड्रॉप्स है इमल्शन की ड्रॉप्स हैं वो या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड क्या कर रही है वहां पे, फोम लाइक स्ट्रक्चर क्रीम्स वहां पे क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है। एंड लास्ट वन क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंटरफेसियल बैरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलसेंस। ओके चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज डी। ठीक है, ये क्या है आपका? इनकरेक्ट मैच है। ठीक है, कैसे है चलिए ये देखते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या था हमारा? स्टेबिलिटी की बात हो रही थी, तो मेनली आपका कोलसेंस में क्या होता है, मेनली कि कोलसेंस ऑफ इंटरनल फेज, मेनली कोलसेंस में आप क्या देखोगे, आपके यूजुअली जो ड्रॉपलेट्स हैं छोटे छोटे वो क्या होने लगेंगे आपस में कुछ इस तरीके से एक जगह एग्रीगेट फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, दूसरा आपका फ्लॉकुलेशन आ जाता है। ग्लोब्यूल्स क्या होंगे? आपस में क्या कर लेंगे, फ्लॉक्स फॉर्म कर लेंगे। क्या करेंगे? आपके फ्लॉक्स फॉर्म कर लेंगे, किसमें? एक्सटर्नल फेज में। ठीक है, अब ये जो होता है आपका मेनली कई सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। पहला आपका क्या आ जाता है? ग्लोब्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा आपका ग्लोब्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि कहीं पार्टिकल साइज आपका बहुत ज्यादा फाइन है, कहीं पार्टिकल साइज आपका बहुत ज्यादा वहां पे वेरी कर रहा हो। दूसरा आ जाता है आपका चार्ज ऑन दी ग्लोब्यूल सरफेस। ग्लोब्यूल्स पे भी भाई हमारे कोई ना कोई चार्ज होंगे। ठीक है, जो कि क्या उनकी मेनली स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन लास्ट में आता है एक्सटर्नल फेज की विस्कोसिटी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये मेनली फ्लॉकुलेशन के लिए, किसके आपके फ्लॉकुलेशन के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड लास्ट में आ जाता है आपका क्रीमिंग। ठीक है, क्रीमिंग क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स एट टॉप और बॉटम। जो भी आपके ग्लोब्यूल्स हैं या फिर जो भी आपका फोम है उसका टॉप या फिर बॉटम पे क्या एक्युमुलेशन हो जाना, इकट्ठा हो जाना, वही आपका क्या कहला रहा है, मेनली क्रीमिंग कहला रहा है। अब ये दो टाइप की होती है, एक है आपका ऑयल इन वाटर, दूसरा है आपका वाटर इन ऑयल। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि आपका अपवर्ड किसमें होती है और डाउनवर्ड किसमें होती है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है आपका? वाटर इन ऑयल यानी कि वाटर आपका क्या है, डिस्कंटिन्यूअस फेज में है, तो हमें पता है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये जाएगा कहां, सेटल डाउन। तो यहां पे क्या होगा आपका? डाउनवर्ड क्रीमिंग। ठीक है, वही आपका ऑयल इन वाटर में आपका ये क्या है, आपका एक्सटर्नल फेज में है, कंटिन्यूअस फेज में है, तो ये आपका क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके चलिए, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, रेट ऑफ क्रीमिंग डिक्रीज बाई। ये जो क्रीमिंग का आपका डिफेक्ट है, ठीक है, ये कई सारे डिफेक्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन यानी कि आपका क्या हो जाए, ग्लोब्यूल सेडिमेंटेट हो जाए। फेज इन्वर्जन का मतलब है ऑयल इन वाटर से आपका वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये कब होता है? फेज वॉल्यूम रेशियो याद करिए, 74 और 26 का होता है आपका क्या, फेज वॉल्यूम रेशियो। अब अगर हम बात करें कि फेज वॉल्यूम रेशियो की, कि जब टोटल वॉल्यूम का, जब क्या होता है आपका टोटल वॉल्यूम का 74% से ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, फेज वॉल्यूम रेशियो। तो आपका ऑयल इन वाटर से क्या हो जाएगा, वाटर इन ऑयल हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फेज इन्वर्जन बोल रहे हैं। देन आपका कोलसेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपस में ग्लोब्यूल्स फॉर्म कर ले रहे हैं। ठीक है, ओस्टवाल्ड राइपनिंग, ये आपको मेनली सस्पेंशन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कि आपके जो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो स्टेबलाइज होने के लिए बड़े पार्टिकल्स की ओर क्या कर रहे हैं, वहां पे बड़े पार्टिकल्स फॉर्म कर रहे हैं। फ्लॉक्यूल्स यहाँ पे फ्लॉकुलेशन में फॉर्म हो रहा है। क्रीमिंग अपवर्ड या लोअर डायरेक्शन में आपकी क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, क्रीमिंग हम कैसे डिक्रीज करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाता है कि कोई भी आपकी मेनली क्या है, आपका डिफेक्ट आ रहा है, तो उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर क्रीमिंग का डिफेक्ट है तो हाउ वी कैन ओवरकम द डिफॉर्मिटी और द प्रॉब्लम ऑफ क्रीमिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, ग्लोब्यूल्स के जो पार्टिकल साइज हैं ग्लोब्यूल्स के, उनको प्रॉपरली हम क्या करते हैं, होमोजेनाइज करें। ठीक है, जो भी हम होमोजेनाइजर है वो सारी चीजें हम यूज करें। एक्सटर्नल फेज की विस्कोसिटी को मेंटेन करें। ठीक है, देन जो भी हमारे क्या है, जो भी क्या है, दो अलग अलग फेज हैं, अगर उनके बीच में डिफरेंस आ रहा है उनकी डेंसिटी में, तो भी यहाँ पे चांसेस ऑफ क्रीमिंग देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कोलसेंस, जिसकी हमने बात की थी, ग्लोब्यूल्स क्या हो जाए, एग्रीगेट हो जाए। ठीक है, कहाँ पे, जो भी हमारे क्या है, डिस्पर्स फेज में या फिर वहां पे आपके मर्ज हो जा रहे हैं। ब्रेकिंग में क्या होता है, ब्रेकिंग में क्या होता है, जो भी हमारा क्या है, ऑयल इन वाटर है। ठीक है, क्या है आपका, ऑयल इन वाटर है और
वाटर इन ऑयल है, तो ब्रेकिंग में क्या होगा, वाटर फेज अलग हो जाएगा और ऑयल फेज आपका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, हमारा हमने पहले क्या किया था, इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करके फोर्सफुली उनको क्या करा लिया था, मिक्स करा लिया था, किससे, विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। अब जो आपका ब्रेकिंग या फिर क्रैकिंग होता है, इसमें दोनों सेपरेट हो जाते हैं, पहली चीज। और फेज इन्वर्जन में क्या हो रहा था, ऑयल इन वाटर से कन्वर्ट हो जा रहा था वाटर इन ऑयल में, या फिर वाटर इन ऑयल से कन्वर्ट हो जा रहा था आपका वो किसमें, ऑयल इन वाटर में। ठीक है, ये हो गया आपका दोनों में डिफरेंस, क्लियर। ये हो गया फेज इन्वर्जन, अभी हमने बात कर लिया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इमल्शन मेड विथ स्पैन आर जनरली, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि लाइक आपका ऑयल इन वाटर या फिर, ठीक है, आप याद करो HLB स्केल, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, जो कि ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट सब ने दिया था। ठीक है, उसमें आपको एंटी वॉर्मिंग एजेंट सब की क्या है, अलग अलग वैल्यू देखने को मिलेगी। तो वही इसका यहाँ पे पूछा हुआ है कि किस टाइप के कौन कौन से आपकी इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कि क्या करेंगे, ऑयल इन वाटर टाइप और वाटर इन ऑयल टाइप के क्या कराएंगे, इमल्शन को क्या कराएंगे, फॉर्म कराएंगे या फिर फॉर्म कराने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका इमल्शंस मेड विथ स्पैन आर जनरली। ठीक है, अगर मेनली जो हम इमल्शन क्या है आपके किससे बन रहे हैं, स्पैन से बन रहे हैं, तो जनरली किस टाइप के होंगे, आपके क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, रिवर्सिबल होंगे, ऑयल इन वाटर टाइप होंगे या फिर आपके वाटर इन ऑयल टाइप होंगे। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे स्पैन की जब हम बात करेंगे, स्पैन किस टाइप का बनाएगा आपका, ऑयल इन वाटर का। ठीक है, और ट्विन आपका बनाएगा वाटर इन ऑयल। ठीक है, ऑयल इन वाटर कौन बना रहा है, आपके स्पैन बना रहे हैं। ठीक है, देन वाटर इन ऑयल आपके ट्विन बनाएंगे। चलिए देखते हैं, ये तो हुई आपकी एजेंटी स्केल। ठीक है, 1, 2, 3 आपकी एंटी फोमिंग एजेंट हो गए, 3 से 6 आपके वाटर इन ऑयल। अब यहीं पे आ जाते हैं आपके स्पैन 80 और स्पैन 60 आ जाते हैं। एंटी फोमिंग एजेंट में आपका साइमेथिकॉन आ जाता है, देन आपके वेटिंग एजेंट 7 to 9। ये HLB स्केल भी पूछता है, याद रहे ये HLB स्केल भी आपका पूछता है। एक और आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है, ओलिक एसिड और आपका SLS, दैट इज सोडियम लॉरिल सल्फेट। तो SLS यानी कि सोडियम लॉरिल सल्फेट का होता है आपका 40, और आपका जो ओलिक एसिड होती है जिसकी HLB वैल्यू होती है 1। दोनों याद रखिएगा, दोनों आपके पूछे हुए हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है। इवन फार्मासिस्ट के एग्जाम में भी कई बार पूछे हुए हैं, कई बार बच्चों के मैसेज आते हैं सर फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट या फिर कुछ कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो GPAT से काफी लो लेवल रहता है, बट क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं जो GPAT में भी आए हुए होते हैं। चलिए देन अब यहाँ पे देखते हैं क्या, ऑयल इन वाटर टाइप के जो इमल्सिफाइंग एजेंट है, यानी कि कौन से ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कि ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन बनाएंगे। पहला ट्विन 20, 40, 60, 80। दूसरा उनकी HLB रेंज कितनी है, 8 से 16। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियरली बन रहे हैं। तीसरा ये बन सकता है कि ट्विन 20 या फिर ट्विन 40, 60, 80 किस टाइप के इमल्शन को क्या करेगा, बनाने में हेल्प करेगा। तो आपके ऑयल इन वाटर टाइप के जो इमल्शन है उनको बनाने में हेल्प कर रहा है। एंड लास्ट आ जाता है आपको क्या, डिटर्जेंट्स एंड सोल्यूबिलाइजिंग एजेंट 15 to 18। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, इमल्शन मेड विथ ट्विन आर यूजुअली, यानी कि ऐसे इमल्शन जो मेनली हम किसकी हेल्प से बना रहे हैं, ट्विन्स की हेल्प से बना रहे हैं, वो जनरली क्या होंगे। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, पहला क्या है आपका अनस्टेबल, पहला क्या दिया हुआ है आपका अनस्टेबल। दूसरा आ जाता है आपका क्या, वाटर इन ऑयल टाइप। ठीक है, तीसरा आपका दिया हुआ है ऑयल इन वाटर टाइप। एंड लास्ट वन इज डी, किसका पूछा है आपका, मेनली ट्विन का पूछा है। सो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका सी, क्योंकि अभी हमने बात किया सी आपका क्या है, मेनली जो ट्विन होते हैं। ठीक है, ऑयल इन वाटर टाइप, किसमें ऑयल इन वाटर टाइप का क्या कराएगा, फॉर्म कराएगा। एक्सप्लेनेशन इसका हम पहले ही देख चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द इमल्शन ग्लोब्यूल्स वर परफेक्ट स्फीयर ऑफ द सेम साइज, the volume of dispersed phase should not exceed percent of total volume। ठीक है, कि अगर हमारा क्या है globules जो भी हमारे क्या है spherical in shape है, perfectly spherical in shape है, तो ये क्या है total phase volume ratio simple आपसे पूछ रहा है। ठीक है, फेज वॉल्यूम रेशियो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये सिंपल वो कंडीशन ला दिया है फेज वॉल्यूम रेशियो वाली, किसकी, फेज इन्वर्जन। ठीक है,
फेज इन्वर्जन में क्या हो रहा था कि टोटल वॉल्यूम का अगर 74% से एक्सीड कर जाएगा तो वहां पे आपका क्या होगा, फेज इन्वर्जन हो जाएगा। वही चीज है यहाँ पे आपका 74%। सो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 74% से आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, अब ये देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फेज वॉल्यूम रेशियो। वही चीजें यहाँ पे आपकी दी हुई है, इंटरनल फेज मोनो डिस्पर्स सिस्टम जहां पे सारे के सारे पार्टिकल्स का क्या है, जो भी साइज का है सेम है, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, मोनो डिस्पर्स सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, दैट शुड नॉट बी मोर देन, जो भी आपका क्या है वहां पे जो टोटल वॉल्यूम है वो 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फेज इन्वर्जन बोलेंगे। चलिए ये आपका दिया हुआ है कॉज फेज इन्वर्जन, लास्ट लाइन में आपका दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ डिस्पर्स फेज शुड नॉट एक्सीड देन 74% ऑफ द टोटल वॉल्यूम बिकॉज दैट विल मेक कॉज फेज इन्वर्जन। अब यहाँ पे फेज वॉल्यूम, एक क्वेश्चन और आपका पूछता है फेज वॉल्यूम रेशियो और टाइप ऑफ फ्लो से। फेज वॉल्यूम रेशियो यानी कि जो कितना रेशियो है आपका, अगर 5% है फेज वॉल्यूम रेशियो, अगर आपका 5% है तो किस टाइप का फ्लो रहेगा, न्यूटोनियन रहेगा, नॉन न्यूटोनियन रहेगा, या फिर आपका क्या रहेगा, प्लास्टिक फ्लो रहेगा। अगर हम देखें 5% तो वहां पे आपका न्यूटोनियन यानी कि आपका न्यूटन्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। दूसरा 5 से अगर आपका 50% कितना 50% आ जा रहा है वहां पे स्यूडोप्लास्टिक, एंड लास्ट अगर आपका 74% है तो वहां पे आपका क्या आएगा, वहां पे आएगा आपका प्लास्टिक फ्लो, यानी कि फेज इन्वर्जन वहां पे देखने को मिल सकता है। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्कली अर्थ मेटल सोप। एल्कली अर्थ मेटल जो आपके सोप्स होते हैं प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ इमल्सन। ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल जो आपके सोप है वो किस टाइप के इमल्सन को मेनली क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। पहला आपका दिया हुआ है वाटर इन ऑयल टाइप के, कैसे, वाटर इन ऑयल टाइप के। दूसरा दिया हुआ है आपका क्या, ऑयल इन वाटर, कैसा, ऑयल इन वाटर टाइप के। थर्ड वन इज माइक्रो इमल्शन एंड फोर्थ वन इज बोथ ए एंड बी। हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे, एल्कली अर्थ मेटल दिया हुआ है, एल्कली अर्थ मेटल। अब याद करिए कि जो आपके एल्कली अर्थ मेटल होते हैं उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी होती है पुअर। अब बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी पुअर है तो आपके वाटर इन ऑयल तो नहीं देंगे, क्योंकि जब वाटर सॉल्युबिलिटी ही पुअर है तो कंटिन्यूस फेज, सॉरी, ऑयल इन वाटर आपके नहीं देंगे, यानी कि कंटिन्यूस फेज आपका वहां पे वाटर नहीं रहेगा, वहां पे आपका कंटिन्यूस फेज रहेगा आपका क्या, वहां पे आपका कंटिन्यूस फेज ऑयल रहेगा। और करेक्ट आंसर रहेगा आपका वाटर इन ऑयल, क्योंकि वहां पे क्या है आपके वाटर में पुअरली सॉल्युबल है, कौन, आपके एल्कली अर्थ मेटल्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स हियर करेक्ट आंसर इज ए। ओके चलो ये देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन, मेन जो आपकी लाइन है कि एल्कली अर्थ मेटल सोप्स लाइक आपका कैल्शियम ओलिएट हो गया, ठीक है, कैल्शियम ओलिएट हो गया, ये क्या है आपका स्टेबल, प्रोड्यूस स्टेबल वाटर इन ऑयल, कैसा, वाटर इन ऑयल इमल्शन प्रोड्यूस करता है, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर लो वाटर सॉल्युबिलिटी एंड बाय प्रोड्यूसिंग एंड रिएक्टिंग ओलिक एसिड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मेन चीज यही है कि आपका यहाँ पे क्या करता है, ये पुअरली वाटर सॉल्युबल होता है, दैट्स व्हाई ये आपका क्या है, किस टाइप का यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, वाटर इन ऑयल टाइप का। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, थर्मोडाइनेमिकली इमल्शंस आर, ठीक है, या फिर इमल्शंस, थर्मोडाइनेमिकली इमल्शंस क्या है, माइक्रो का तो पता है, वो बात किए हैं कि वो आपका क्या है। अब सिंपल हम इमल्शन का देखते हैं कि सिंपल अगर हमारे इमल्शन है तो थर्मोडाइनेमिकली हमारे किस कंडीशन में आएंगे, पहला है आपका स्टेबल, दूसरा है आपका अनस्टेबल, थर्ड वन इज बोथ एंड लास्ट वन इज डी। तो अगर हम केवल थर्मोडाइनेमिकली हम इमल्शन की बात करें तो हमारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। हम उनको फोर्सफुली विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट क्या कराते हैं, इमल्सिफाई कराते हैं, ठीक है, और मिक्स कराते हैं, बट होते वो अनस्टेबल है, ठीक है। ये देखिए, चलिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, सिंपली थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मेनली इमल्सन का क्या है आपके यहाँ पे, अनस्टेबल है। वही आपके जो माइक्रो इमल्सन है, माइक्रो क्या है आपके, स्टेबल है। अगेन जो आपके नैनो, कैसे, आपके नैनो इमल्सन क्या है आपके, उनकी जो आपकी स्टेबिलिटी है वो क्या है आपकी, अनस्टेबल है। देन पार्टिकल साइज रेंज आपके आपके कुछ ऐसे आ जाती है कि आपके 500 नैनोमीटर से ज्यादा होती है, जो भी आपके जनरली इमल्सन होते हैं,
ठीक है। देन आपके जो माइक्रो होते हैं वो आपके वे क्या होते हैं, बिलो 100 होते हैं, ठीक है। और आपके नैनो भी क्या होते हैं, बिलो 100 होते हैं। तो ये क्या हो गया, कुछ आपका ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस हो गया, जो भी आपके क्या है इमल्शंस के टाइप है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शन। अगेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्शन से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ऑप्शंस क्या है यहाँ पे आपका, डाइल्यूशन टेस्ट, पहला क्या है आपका डाइल्यूशन टेस्ट, यानी कि कौन सा टेस्ट है आपका जो कि इमल्शंस के आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है। तो पहला आपका क्या दिया हुआ है, डाइल्यूशन टेस्ट। सेकंड क्या है आपका, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। थर्ड वन इज कंडक्टिविटी टेस्ट, एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दी अबव। ओके, तो हम देखेंगे कि हमने डाइल्यूशन भी देखा था, कोबाल्ट भी देखा था, कंडक्टिविटी भी देखा था। सो करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे हमारा, डी है, ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे टेस्ट हमारे परफॉर्म किए जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन। ओके, अब ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका इमल्शंस का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। डाइसॉल्युबिलिटी भी हमारा यहाँ पे है, डाइल्यूशन जो अभी हम बात कर रहे थे वो भी है, कंडक्टिविटी टेस्ट भी है, ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड भी है आपका यहाँ पे। ओके, एंड कंडक्टिविटी कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, डाइल्यूशन टेस्ट कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक, तीनों है आपके यहाँ पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, माइक्रो इमल्शन कंटेन, माइक्रो इमल्शन कंटेन ग्लोब्यूल्स ऑफ द साइज अबाउट। एसर्शन रीजन में इससे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी करके आपका दिया हुआ था, और उसी में आपका फाइन का भी दिया हुआ था और नैनो का दिया हुआ था। यहाँ तो सिंपली आपका मेनली माइक्रो का पूछा हुआ है, तो आपका सिंपली पूछा क्या है कि माइक्रो इमल्शन जो होते हैं वहां पे ग्लोब्यूल साइज कितनी होती है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ए इज क्या है आपका, ए 10 माइक्रोमीटर, बी इज 1 माइक्रोमीटर, थर्ड वन इज सी दैट क्या है 0.1 माइक्रोमीटर, डी क्या है 0.01 माइक्रोमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये करेक्ट आंसर इज 0.01 माइक्रोमीटर। किसका आपका रेंज है, माइक्रो इमल्शन का। ओके, चलिए ये हो गया आपका मेनली एक्सप्लेनेशन, माइक्रो इमल्शन का आपका क्या रेंज है 0.01। वहीं आपके जो क्या है फाइन इमल्शन है, जिनकी पार्टिकल साइज क्या है थोड़ी बड़ी है किससे, माइक्रो से, उनका जो आपका पार्टिकल साइज का रेंज है वो है आपका 0.25 से 25 माइक्रोमीटर। एक तो आपका हो गया पार्टिकल साइज का डिफरेंस बच्चों, दूसरा और इम्पोर्टेंट डिफरेंस आ जाता है अपियरेंस का। जो माइक्रो होते हैं, माइक्रो इमल्शंस, उनमें क्या होता है क्लियर अपियरेंस होता है, लाइट उससे क्या हो जाती है क्लियरली पास हो जाती है, किसी भी तरीके का कोलिजन नहीं होता। वहीं आपके जो फाइन इमल्शन होते हैं वहां पे क्या होता है, पार्टिकल्स का कोलिजन होता है ड्यू टू ग्रेटर पार्टिकल साइज एज कंपेयर टू माइक्रो इमल्शन, एंड दैट्स वाई मिल्की अपियरेंस विल बी प्रोड्यूस। कैसा अपियरेंस, मिल्की, ठीक है, किसमें, फाइन में। चलो फाइन है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट कैन प्रोड्यूस फाइन इमल्शन, यानी कि कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है आपका जो फाइन इमल्शन को प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन है आपके, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर, कोन एंड प्लेट, विस्कोमीटर आ गया, ये दो, टेस्ट ग्राइंडर, पोस्ट वॉल इमल्सिफायर। वाह, सिंपल सा आंसर है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर। हमने पढ़ा था फुलमैन जो आपका वेसल इक्विपमेंट था उसमें भी हमने देखा था कि एक बहुत ही फाइन ऑरिफिस था, उससे हम क्या करा रहे थे, लिक्विड को पास करा रहे थे, और जो वाइब्रेटिंग ब्लेड थी उस पे वो क्या कर रहा था, इंपिंग हो रहा था, कोलिजन उसका हो रहा था, और वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा था, इमल्शन हमारे फॉर्म हो रहे थे, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर। यहाँ पे क्या आ गया, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर फुलमैन लिक्विड वेसल दिया हुआ है आपका, ठीक है। जेट ऑफ प्रीमिक्स लिक्विड आपका फोर्स्ड कहां पे, थ्रू एन ऑरिफिस एंड इम्पिंग ऑन हाई स्पीड वाइब्रेटिंग ब्लेड। देन क्या होता है आपका, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए मेनली आपका क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है, क्लियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी बात हम कर चुके हैं, हमने प्रीवियसली साइट्स में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था, ठीक है। चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इमल्शन कंटेनिंग मोर देन टू फेज आर कॉल्ड एज। More than two phase, सर हमने तो पढ़ाया दो ही फेज होते हैं, नहीं तीन फेज भी होते हैं। तीन फेज कैसे होता है आपका, तो यूजुअली क्या हो गया, ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल हो गया। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल इमल्शन, ऑयल इन वाटर इन ऑयल या फिर वाटर इन ऑयल इन वाटर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ऑप्शन दिए हुए, मिक्स मल्टीपल कॉम्प्लेक्स एंड नन ऑफ दी अबव, तो उसको हम बोलते हैं क्या,
मल्टीपल इमल्शन, क्या बोलते हैं मल्टीपल इमल्शन बोलते हैं। अब होता क्या है मल्टीपल इमल्शन में, पहले तो ऑयल इन वाटर का देख लें। ऑयल इन वाटर हमने पहले भी बात किया है, ऑयल इन वाटर, ऑयल आपका डिसॉल्व्ड है किसमें, वाटर में, किसमें, वाटर में। फॉर एन एग्जाम्पल आपकी क्या आ जाएगी, वेनिसिंग क्रीम। अच्छा, जो भी आपका विवाह वगैरह जो समारोह होते हैं उसमें देखोगे कि जो वेनिसिंग क्रीम लगा लिया है ऐसे, तो या फिर आपके जो एलुमनाई मीटिंग वगैरह होती है, या फिर आप देखोगे कि फेयरवेल वगैरह पार्टीज, ऐसे यूजुअली डेली देखोगे तो लगेगा कि हाँ ठीक है। उस दिन देखोगे तो एक बार तो पहचानने में ही दिक्कत हो जाती है कि अरे ये क्या है, लगता है कि कोई नया एडमिशन है। ठीक है, वो केवल मैजिक है आपका क्या, वेनिसिंग क्रीम का। बिल्डिंग वही पुरानी है, बस क्या कर दिया गया है, पेंटिंग कर दी गई है, नया कर दिया गया है आपका वेनिसिंग क्रीम ही। ठीक है, धोखा है। ठीक है, ऑयल इन वाटर, ठीक है, वेनिसिंग क्रीम आपको मेनली देखने को मिलेगा, जो कि क्या होता है। अच्छा, एक और इसकी खास बात क्या है, ये क्या होते हैं, वाटर वॉशेबल होते हैं, वाटर में आपके सोलुबलाइज भी होते हैं, वाटर के थ्रू इजिली वॉश हो जाते हैं, ग्रीसी अपियरेंस नहीं देते हैं, इजिली क्या हो जाते हैं, सरफेस से वॉश आउट हो जाते हैं। कौन से आपके, ऑयल इन वाटर। दूसरा आ जाता है आपका क्या, वाटर इन ऑयल, जहां पे आपका क्या है, वाटर ऑयल में है, यानी कि कंटिन्यूअस फेज अब क्या है आपका, ऑयल है। फॉर एन एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, कोल्ड क्रीम हो गया। ठीक है, तो कोल्ड क्रीम में मेनली आपको क्या देखने को मिलता है कि कंटिन्यूअस फेज आपका वहां पे क्या है, ऑयल है। कोल्ड क्रीम लगा लो, देन आप उसको वाटर से वॉश करोगे तो इजिली वो वॉश आउट नहीं होगा। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट है आपका मल्टीपल इमल्शन। नेक्स्ट क्या आपका मल्टीपल इमल्शन होता क्या है, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा आपके फाइन अमाउंट ऑफ वाटर को हम क्या करते हैं, मेनली लार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स में हम उनको क्या कर देते हैं, मेनली हम उसको इनक्लोज कर देते हैं, उसी में हम उनको इनकेप्सुलेट कर दिए, इनक्लोज कर दिए, देन अगेन उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम डिस्पर्स कर देंगे किसमें, वाटर में, किसमें, कंटिन्यूअस वाटर फेज में। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर इन ऑयल इन वाटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और याद रखिएगा कि जो मल्टीपल इमल्शन होते हैं उनका जो मेन पर्पज होता है सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन। सर ये तो हमने टेबलेट में ही पढ़ा था या फिर सॉलिडोज में ही पढ़ा था, नहीं बेटा लिक्विड में भी होता है सस्टेन रिलीज, आपके जो सस्पेंशन होते हैं उनको बनाने के लिए हमारे मल्टीपल इमल्शन क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। देन आपका माइक्रो इमल्शन हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइन इमल्शन क्या है, फाइन इमल्शन हैज अपीयरेंस, फाइन इमल्शन हैज डेंस अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूशेंट, मिल्की, बोथ है एंड सी। किसकी बात हो रही है आपके यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, फाइन इमल्शन की। तो हमने पहले ही देखा था कि जो आपके फाइन इमल्शन है कैसे है, जो आपके फाइन इमल्शन है उनका जो मेनली पार्टिकल साइज है वो क्या है, माइक्रो से बड़ा है। तो अब जब माइक्रो से बड़ा है तो जब भी फाइन इमल्शन में आपका लाइट क्या होगी, पास होगी, तो इसी में क्या होगा, इसका कोलिजन होगा, लाइट यहाँ पे क्या होगी, टकराएगी चारों ओर, और इसी में क्या होगा आपका मिल्की अपीयरेंस। कैसा, मिल्की अपीयरेंस शो करेगा। सो डियर स्टूडेंट, सी इज द करेक्ट आंसर, और ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन विद पार्टिकल साइज। ओके, फाइन में आपके 0.25 से 25 माइक्रोमीटर, और वहीं आपके माइक्रो में कितने हैं, 0.01 माइक्रोमीटर के ग्लोबुल्स देखने को मिलते हैं, और जो इसका अपीयरेंस है दैट इज ट्रांसपेरेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हमने देखा कि आपके जो इमल्शन है उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं या फिर आए हुए हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।